आज मैं वर्ग 6 विषय हिंदी पाठ 15 का नाम है भूल गया कि उनका इस पाठ का प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता लिखवा चुकी हूँ। आज मैं इसको आप लोग समझने के लिए पाठ के आगे का एक प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपने समझने के लिए अपने जीवन में काम आने के लिए मैं इसे बता रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिए लिखिए।
क्या है जी? यह प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख दिया, इसे एक बार पढ़ के ध्यान से सुनिए। मनुष्य किस प्रकार दूसरे को अपने से भिन्न समझता है? इसका आंसर है जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा ऐश्वर्य के कारण मनुष्य अपने को एक दूसरे से भिन्न समझता है। अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझने के कारण मन में अहंकार जन्म लेता है, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग समझने के लिए प्रेरित करता है। इसी अहंकार में घमंड के कारण मनुष्यता समाप्त हो जाता है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ शत्रुता का व्यवहार करने लगता है। जबकि कवि की इच्छा है कि हर मनुष्य दूसरे के साथ मनुष्यता का व्यवहार करे। कवि का कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य तो एक ही है एक दूसरे से, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे जिनमें अपने में घमंड है, धन का, पढ़ाई का, लिखाई का, अनुकूल घमंड हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है। वह मनुष्य जो है एक मनुष्य को दूसरे से अपने से अलग समझता है, उसको अपना दुश्मन समझता है। लेकिन कवि की इच्छा है कि मनुष्य को ऐसा नहीं, मनुष्य को एक दूसरे से, जबकि कवि की इच्छा है कि दूसरे मनुष्यता का मनुष्य है तो आप भी मनुष्य हुए, सबका शरीर एक ही तत्व से बना, इसलिए आप एक दूसरे मनुष्य के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अच्छा व्यवहार से रहिएगा तो अच्छा। यही कवि की इच्छा है कि मनुष्य एक दूसरे से मिलजुल कर रहे आपस में, क्योंकि सभी एक ही तत्व के बने। यही प्रश्न का उत्तर है, इसका जवाब है। इसे मैं अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कीजिएगा। इसे मैं पढ़ने समझने के लिए लिख दी हूँ, कल मैं इसके आगे वाला पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आज का वीडियो इतने, ओके, धन्यवाद। Thank you.